करते हैं मुजफ्फरनगर की चर्चा। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में सबसे पहले सदर सीट की बात करते हैं। सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लगातार जीत की हैट्रिक बनाई है। कपिल देव अग्रवाल ने इस बार अपने पिछले रिकॉर्ड को, उनको 97,000 वोट मिली थी, उसको बहुत तेजी से बढ़ाते हुए 1,11,794 वोट मिली है। कपिल देव अग्रवाल को 49.57% मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के सौरभ स्वरूप बंटी को 93,100 वोट मिली हैं और उन्होंने भी 41.28% मतदाताओं का समर्थन पाया है। बहुजन समाज पार्टी के पुष्पांकर दीपक इस सीट पर 10,733 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और इस सीट के प्रत्याशी डॉ सुबोध शर्मा 1,694 मतदाताओं का ही समर्थन हासिल कर पाए हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी की आभा शर्मा 495, कृष्ण पाल 171, परवेज आलम जो चंद्रशेखर की पार्टी के थे 725, मोहम्मद इंतजार ये ओवैसी जी की पार्टी के थे 3,750, रजनीश राष्ट्रीय समाज पक्ष के 394, धर्मेंद्र कुमार निर्दलीय 848, नीरज गोयल 141, राज किशोर गर्ग 410, राहुल कुमार जैन 301, ललित कुमार 102, समय सिंह 210। 675 मतदाता मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा में ऐसे रहे जिन्हें अपने 3 बार के विधायक भी पसंद नहीं आए और विपक्ष के प्रत्याशी भी पसंद नहीं आए हैं। मुजफ्फरनगर की अगली सीट है खतौली। खतौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह सैनी फिर चुनाव जीत गए हैं। विक्रम जी निर्वर्तमान विधायक थे और पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया था, वो एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं और 1,06,51 वोट पाकर वो निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 45.34% मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है। उनके सामने राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सिंह सैनी 84,306 वोट पाकर पराजित हुए हैं। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के करतार सिंह भड़ाना 31,412 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। गौरव भाटी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीट पर प्रत्याशी थे, उन्होंने 1,209 वोट प्राप्त की हैं। बबलू राम भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी 595, मनोज पवार आजाद समाज पार्टी काशीराम ने 843, राजू भाटिया पिछड़ा समाज पार्टी उन्होंने 235, सीलू शिवसेना ने 537, प्रमोद आर्य अन्ना ने 545, यजपाल सिंह राठी 601, सत्यवीर सिंह ने 211 वोट प्राप्त की है। इस सीट पर 824 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। अगली सीट की चर्चा करते हैं, वो बुढ़ाना की सीट। बुढ़ाना की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक उमेश मलिक चुनाव हार गए हैं। यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक, दो बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, राजपाल सिंह बालियान 1,31,093 51.28% मतदाताओं का समर्थन लेकर चुनाव जीते हैं। उमेश मलिक को 1,02,783 मतदाताओं ने समर्थन दिया है, उन्हें भी 40.21% मतदाताओं का समर्थन मिला है। यहां कांग्रेस के देवेंद्र कुमार 2,452 वोट लेकर पराजित हुए हैं। मौलाना अनीस बहुजन समाज पार्टी के थे, जो 10,397 मतदाताओं का ही सहयोग प्राप्त कर सके हैं। देवेंद्र मलिक पहलवान
आम आदमी पार्टी के 1041, कैप्टन नील कुमार 243, भीम सिंह 2633, सलीम 2099, अनु कुमार 802, अरविंद कुमार 322, राजेंद्र कुमार 681 और 1070 इस क्षेत्र में मतदाता रहे हैं जिन्होंने नोटा का बटन दबाया है। राजनेताओं को चिंता जरूर करनी चाहिए कि 1001 विधानसभा में ऐसे जागरूक लोग हैं जो नोटा पे बटन दबा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है कि उनको वो समझा नहीं पा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं चरथावल विधानसभा सीट। चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंकज कुमार मलिक चुनाव जीत गए हैं। पंकज कुमार मलिक पहले भी दो बार विधायक रह चुके हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे और यहां आकर विजयी रहे हैं। पंकज मलिक को 97,363 वोट मिली हैं। 43.82% मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया है। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सपना कश्यप चुनाव लड़ी हैं। सपना जी पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक रहे विजय कश्यप जी की धर्मपत्नी हैं। बहुत अच्छा चुनाव लड़ी लेकिन वो चुनाव में हार गई हैं। 92,039 वोट उन्होंने प्राप्त की है। बहुत नजदीकी मुकाबला उनका शुरू से चल रहा था। 41.42% मतदाता उनको उनके समर्थन में रहे हैं। कांग्रेस के यास्मीन राव ने 965 वोट प्राप्त की है। बहुजन समाज पार्टी के सलमान सईद ने 25,131 वोटर्स का सपोर्ट प्राप्त किया है। राष्ट्रीय समाज पक्ष के कपिल कुमार 367, तरुण सिंह 674, ये चंद्रशेखर की पार्टी के थे। ताहिर हुसैन अंसारी ओवैसी जी की पार्टी के थे 3,234। यावर रोशन 97, संगीता जय समता पार्टी 125, अजय कश्यप 208, अभिषेक 337, चंद्रवीर 435, सलीम मलिक 347। इस विधानसभा में भी 878 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। मीरापुर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान चुनाव जीते हैं। चंदन चौहान को भी 49.57% मतदाताओं का समर्थन मिला है। उन्हें 1,07,421 वोटर्स ने अपना सपोर्ट दिया है। वहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी 80,041 वोट पाकर चुनाव हार गए हैं। प्रशांत चौधरी जी को 36.94% मतदाताओं ने अपनी पसंद माना है। इस सीट पर कांग्रेस के जमील अहमद 1,258 वोट पाने में ही सफल हुए हैं। जमील अहमद इस क्षेत्र से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद सलीम 23,797 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के उमेश 1,628, परवेज आलम राष्ट्रीय समाज दल 143, कुमारी प्रीति राष्ट्र निर्माण पार्टी 309, अमित कुमार 252, मदन पाल 283, शाह आलम 410, हेमलता 262 वोट पाई हैं। नोटा में बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 888 रही है। पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा का परिणाम आपको बता देते हैं। पुरकाजी विधानसभा से दो बार के पूर्व विधायक अनिल कुमार इस बार फिर चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने 92,672 वोट प्राप्त की है। हमारे इंटरव्यू में इन्होंने 1,00,000 का किया था कि लगभग मुझे 1,00,000 वोट मिलेगी, लेकिन नजदीक मिले 92,672 वोट मिली है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक प्रमोद उटवाल 46,140 वोट पाने में सफल रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से लड़े दिग्गज कांग्रेसी पूर्व मंत्री दीपक कुमार केवल 1,762 वोट पाने में सफल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट 27,778 वोट पाकर यहां तीसरे स्थान पर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अनिल कुमार 592,
आजाद समाज पार्टी की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री उमा किरण केवल 2321, बहुजन मुक्ति पार्टी की कविता 689, सुनीता मजदूर किसान यूनियन पार्टी 327, नीलम देवी 646, मुकेश कुमार 884, सुनील कुमार 353 वोट पाने में सफल रहे हैं। इस सीट पर 921 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है।